देखिए हम लोग जब लेके आए थे ना 2002 में अपने गाने, तो हम नए लेके आए थे। आज हम लोग वही चीज फिर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे गाने कभी पुराने नहीं होते। हमारे जो गाने थे उस वक्त जो हमने लॉन्च किए थे, जैसे मेरी नींद उड़ गई है या गोरी, आज तक वो गाने लोग सुनते भी हैं, रेडियो पे भी चलाते हैं और उन गानों पे रील्स बनती है और उन्हीं गानों पे रील्स बना के हम लोग को टैग किया जाता है, तो उसकी रिपीट वैल्यू और उसकी लाइफ वैसी है। आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे कंपोजर जो थे ले साहब, वो आई होप ही इज हियर, सो ही क्रिएटेड सम डिवाइन मैजिक आई थिंक दैट टाइम। जैसे पुराने गाने होते ना, पुराने जमाने में रफी साहब के गाने थे, आर डी बर्मन साहब के थे या ओपी नैयर साहब के थे, जो गाने आज तक हम लोग रिपीट वैल्यू में सुनते आते हैं, रिपीट मोड में हमारे चलते रहते हैं, हम लोग उनको अलग अलग अंदाज में सुनते हैं, कभी कोई कुछ अलग अरेंजमेंट के साथ, कभी कुछ अलग फील के साथ, लेकिन वही गाने हम लोग सुनते हैं बिकॉज उनकी मेलोडीज इतनी स्ट्रांग होती थी कि उन मेलोडीज को आप कभी पुराना कह ही नहीं सकते। तो हम लोग आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी विद आवर सॉन्ग्स कि हमारे जब भी गाने आए वो सारे गाने ऐसे थे कि उनकी फील कभी पुरानी नहीं हुई। वी वर अहेड ऑफ आवर टाइम्स एंड आई थिंक टुडे इवन दो सॉन्ग्स आर स्टिल अहेड ऑफ आवर टाइम्स एंड टुडे अगेन वी आर कमिंग अप विद द सॉन्ग्स दैट आर गोइंग टू स्टे विद अस आई थिंक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग। एंड लाइक सुधांशु वाज सेइंग कि वी स्टिल टुडे सो मेनी कमेंट्स, सो मेनी पीपल रीचिंग आउट टू अस ऑन YouTube, सोशल मीडिया saying we are still listening to your songs aur bachcho bhi sunte hain aur it's just the whole universe is just so appreciative of those songs that we have felt ke bhai why are we not doing more. It is the proof of the pudding was ki hum ek mere ghar pe hum dinner pe aaye the aur humne gana puri jo recreate kiya tha, ek reel banayi thi ghar mein baithe jab hum log jam session ke liye mile the, uspe jo comments humne dekhe it went to some millions of views and wo humko ek it's an indicator of how timeless our songs have been. So idea was that we're not a remix generation. We don't believe in remakes and recreations like that. So we original believe करते हैं, तो इसलिए हम original album लिख रहे हैं. Vikdeep and अक्सर हम लोग जब shows वगैरह करते हैं तो बहुत लोग आके बोलते भी हैं कि सर आपका वो गाना ना उसपे ये मेरी बीवी है, तब मेरी girlfriend थी, अब हमारी शादी हो गई, ये गाने पे आपके ये गाने पे हमने इसको बनाया था। ऐसे बहुत लोग मिले actually, मुझे बहुत लोग मिले जिन्होंने बोला सर आपके गाने गागा के मैंने अपनी बीवी को पटाया था और आज पछता रहे। तो अच्छा लगता है वी ट्रांसेंडेड जनरेशंस, लोग जैसे ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे रील्स को बना बना के हमको टैग करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। और अब नया दौर जो आया है जहाँ पे मेघदीप ने बहुत बड़ा कमाल किया है हमारे साथ, आलोक ने भी किया है, हमारे मेघदीप साथ जो है, जो हमारे म्यूजिक कंपोजर है और उनके पीछे जो लिरिसिस्ट हमारी पिंकी पूनावाला जी हैं जिन्होंने गाने लिखे, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अगेन लाइक जैसे मैंने पहले बोला आज से 20 साल पहले हमने जो मैजिक क्रिएट किया था वो एक्चुअली क्या होता है, हर आदमी अच्छी चीज बनाना चाहता है, कोई भी आदमी ये सोच के नहीं बनाता है म्यूजिक की यार या फिल्म या कोई भी चीज है, वो हर आदमी सुपरहिट चीज ही बनाना चाहता है, बट कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि भगवान की कृपा हो जाती है कि एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस विद द पीपल दैट यू आर वर्किंग एंड दैट यू गॉट टू बी आदर लकी और ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी। तो जैसे हम लोग पिछली बार फील कर रहे थे वैसे इस बार फील कर रहे हैं, क्योंकि मेघदीप ऑल्दो इज अ वेरी वेरी यंग बॉय बट his talent is phenomenal, absolutely absolutely, I mean I cannot explain to you how brilliant this boy is. And then to add to that we have a lyricist Pinky Poonawalla who's written lyrics like humko samajh bhi nahi aaya kahan se aisi khoobsurati se unhone shabdon ko piro diya, itne simple se shabdon ko, aur wahi se hamara idea bana ki hum log gori hi leke aayenge aur usko bolenge gori again, और आज हम लोग गोरी अगेन के लिए यहाँ बैठे। बट जस्ट टू क्लैरिफाई, गोरी अगेन इज नॉट अ रीमेक ऑफ गोरी, नया गाना भाई। गोरी में एक जमीन की खुशबू थी, एक देश की खुशबू थी, उसके इथॉस को हमने पकड़ा है, बट गाना बिल्कुल ओरिजिनल और नया गाना। और गाने की लिरिक्स में कहीं पे भी अगेन नहीं है, ध्यान रखना। गोरी अगेन हम लोग ने बोला है। मतलब आप एक टाइम पे कलर को उठा के मतलब आज की तारीख में उसको कंटेंपरेरी रखे, उसको नया भी, बट एट द सेम टाइम हैव अ टच ऑफ नॉस्टैल्जिया, ये बहुत बहुत टफ चीज है। और ये इन दोनों ने बहुत खूब और ये साथ में मतलब बहुत खूब तरीके से बनाया है। सो हैट्स ऑफ टू दीस कंपोजर्स टू एंड आल्सो टू आदिल आवर टीम यू नो हु इज लाइक डन दिस होल वीडियो फॉर अस, यो फेनोमिनल जॉब ऑफ थ्री स्टनिंग वीडियो। आदिल शेख साहब थोड़ा सा आगे आएंगे यार, आगे आके पीछे थोड़ा थोड़ा सा लाइमलाइट में आइए, आगे आके। ये आदिल शेख जी हमेशा कैमरे के पीछे बहुत बड़े डायरेक्टर हैं
और इन्होंने इनको तो वैसे आप लोग जानते ही होंगे बिकॉज ये आज से नहीं बहुत पहले से और बहुत ही फेमस डांस डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्होंने हमारे गाने चुने हैं, क्योंकि वो मना भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने चुना हमारे गाने। थोड़ा मुश्किल हो जाता किस किसको में हमारे को फेल करने वाली है, पिक्चर बनाई थी जो दुनिया की बहुत बड़ी सुपर फ्लॉप में आती है, हमारे अलावा शायद किसी और ने नहीं, लेकिन उसमें इन्होंने हमको ट्रेन किया था। हर दौर में उस तरह के बातें होती है जहाँ पर नई साउंड आती है, नया ऑर्केस्ट्रेशन आता है, एंड वो दौर है और आइडिया नॉट टू डिमीन इट, मतलब और टू से क्या यार सही या गलत है, म्यूजिक में कुछ सही गलत नहीं होता, आइडिया ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो 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 एक रुझान रहता है वो ये रहता है कि हमारी हमारी जो मेलोडीज हो वो थोड़ी सिंपल हो और उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन अभी जो किया थोड़ा मॉडर्न किया है उसको, एंड अगर हमारे गानों को दोबारा से रिक्रिएट होगा तो देन वी फील गुड अबाउट दैट, बट द आइडिया इज कि वो जो जो एक तो एक नॉस्टैल्जिया जो है बड़ी बहुत ताकतवर चीज़ है, एवरीवन सीम्स टू बी ट्रिपिंग ऑन कि वो 90s का डेकेड बहुत अच्छा डेकेड म्यूजिक था, और था भी बिकॉज साउंड नहीं थी, सिर्फ एक आर्टिस्ट जो था वो अपनी अपने जो उसका इनहेरेंट ईथोस है उसको प्रेजेंट करता था, तो अगर बैंड ऑफ बॉयज़ की अपनी एक साउंड थी, के की अपनी साउंड थी, सोनू की अपनी साउंड थी, लकी अली की अपनी साउंड थी, सिल्क रूट की अपनी साउंड थी, दे वर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी विच वर कम्प्लीटली इन कोहेसिव नेचर विद म्यूजिक, तो और यही हम कहते भी हैं कि आपकी इंडिविजुअलिटी है जो आपके म्यूजिक के थ्रू दिखनी चाहिए। हमारा जो एक जो 20 साल में जो एक इम्प्रूवमेंट है या एक जो एक मेच्योरिटी आई है वो सिर्फ यही है कि हम उतना अच्छा शायद डांस नहीं कर पाते जितना पहले करते थे, बट फिर भी हम डांस प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम अभी भी स्टेज पे वी सिंग एंड डांस टुगेदर, वी डू ऑल ऑफ दैट। पर ये भी है ना कि आप देख रहे हो सिर्फ फिल्म म्यूजिक है, देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ऑफ नॉन फिल्म म्यूजिक दैट इज कम ऑन राइट नाउ व्हिच इज कॉल्ड इंडी पॉप विद एन ई। पहले इंडी पॉप INDIPOP होता था, अभी INDIEPOP के साथ है, इसके सल्तनत यहाँ बैठे हैं, मतलब जिन्होंने मतलब सुल्तान जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने सोनू जी के साथ I think Megli तुम क्यों नहीं बोलते? और चेंज की बात मेरी मैं खुद क्यों करता हूँ? जो अपलाइड नहीं और मैं खुद बताना चाहिए विद शेखर विद शेखर विद उदित जी विद इवन उदित सन यू नो तो ही इज डन अ फेयर अमाउंट ऑफ नॉन फिल्म आल्सो व्हिच इज अनदर थिंग। हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हैं, उन लोग उन्होंने भी काफी सेमी क्लासिकल म्यूजिक रिलीज किया है, प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ रहे हैं। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं जहाँ पे मतलब आप पुराने गानों को लेके बीच में एक रैप डाल दें या रैप के बीच में पुराने गानों को डाल के ये करते हैं, ये एक मेनस्ट्रीम में आपको सुनाई दे रहा है बट अंडर द ग्राउंड या बाहर कहीं देखो देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूजिक दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम ऑल साइड्स बट मुझे द ओनली डिफरेंस इज कि जो पहले गाने थे बिकॉज दे वर मेलोडी बेस्ड तो चलते ज्यादा लंबे हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल जो गाने आते हैं जो सिर्फ साउंड बेस्ड होते हैं वो बहुत टॉपिकल होते हैं, एक साल दो साल उसके बाद लोग भूल जाते हैं, मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स अरेंजर्स हैं जो पुराने गाने जो यूज करके आगे उनको इस्तेमाल करके अपने रैप सॉन्ग्स या उससे वो कुशन करके उनको बनाते हैं, जो मुझे लगता है कि उससे जो पुराने गाने हैं एक तो वो आज की डेट में भी रेलेवेंट रहते हैं, जिन्होंने नहीं सुने जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं सुने वो पुराने गाने उनको भी पता चल जाता है उन गानों के बारे में। तो जैसे आज भी ऐसे गाने मैं कभी कभी गाता हूँ बिल्कुल पुराने वाले जो रफ़ी साहब के हैं जो 70s के ज़माने के हैं या लेट 60s के हैं, तो मैं जब गाता हूँ तो वो यंगस्टर्स को भी पता होते हैं, तो आई गेट वेरी सरप्राइज कि इनको कैसे पता है, तो तब मुझे रियलाइज़ होता है कि जब उनको रीमिक्स या रीअरेंज करके रिलीज़ किया जाता है तो उससे आज की जनरेशन को भी वो गाने जो है we also have a barometer jab hum shows karte hain at that point of time you understand what people want to hear
और वो लोग दे हैव रिक्वेस्ट्स कि हमें ये, एंड व्हेन यू आर डूइंग ओल्डर सॉन्ग्स द होल ऑडियंस इज ऑन देयर फीट लाफिंग एंड डांसिंग एंड सिंगिंग एंड हैविंग फन विद अस. बट व्हेन यू आर डूइंग द न्यूअर सॉन्ग्स यू नो के 3 महीने में इट्स गॉन एंड देयर इज अ होल न्यू सेट ऑफ सॉन्ग्स कमिंग एंड गोइंग. बट पुराने गाने, सो इट्स, देयर इज मैजिक इन दैट. तो जब हम रीमिक्स करते हैं और लोग रीमेक करते हैं, रिक्रिएशंस करते हैं, इट्स, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग बिकॉज़ अ न्यूअर जनरेशन गेट्स टू हियर ओल्डर मेलोडीज एंड दैट्स अ गुड थिंग. I would also like you to get Megan and Alok into this conversation, otherwise they will just look, sit there and look pretty. Also Pinky. And Pinky Punawale. Yeah. Because she's given the words to the song. Yeah. Yeah. So, Kodi again, Megdeep ne mujhe brief kiya tha ki mature love song likhna hai and they are coming back. So, wo maintain karna hai jo emotion tha. So, Kodi again is actually, lyrically, my thought was to do like a sequel. For the song, की story अगर 20 साल बाद हम carry forward करते हैं तो क्या होगा? So that is all I can say about lyrics of Gori Again. But how tough was the approach? Oh, it was very मतलब I felt responsible. She said mature. Yeah, mature. No, it was, I felt very responsible because Gori has done so well, and then I have to write something like, imagine if these guys were with that Gori. And 20 साल बाद अब क्या कहेंगे? तो वो थोड़ा गोली वापस. So it was fun, and then make the share something how you thought of the composition. I think it was when we decided to do this. I think pehli baat to I would like to say that this album is a manifestation of my mind because 4 years back, 2020 when I started releasing my own songs, I was putting in my own money to make my own songs and put out as an independent artist. So I told the boys that I wanted to do a song with them, you know, and as an indie artist, of course. But then something or the other happened, and life happened, and all of that, and something which solidified me up until this year when Gori ka reel went viral, and we decided that okay, let's ride the algorithm wagon and get into the flow of it. Universe told me that now we should get back actually. So when we decided to work, mere upar bahut zyada pressure tha because Band of Boys, I know as performers of Leslie Sir's compositions, and a band that has that was launched with such a legendary composer, you know, composing for that band is not just a huge honor but also very challenging because it's like 20 saal baad they're coming back and you're supposed to compose for them and kya karoge, you know, first you have to compose them and then compose for them. So I think it was I think main to leap of faith bolunga is project ko, I mean, bhagwan ka naam liya aur I just plunged, and I think I'm grateful that we actually arrived at music that we are grateful and proud of. Like Alok also, he's a brilliant lyricist. You know, बहुत अच्छा काम किया बंदिश बैंडेड्स एंड बहुत आई थिंक वहाँ से मैंने बहुत बहुत बराज मॉडल बहुत सारी इन्होंने लिरिक्स लिखे तो ये कंपोजिशन भी करते हैं और लिरिक्स भी खुद ही लिखते हैं एंड ही हैज बीन अ फैन ऑफ द बैंड एंड व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम ही सेड मुझे एक गाना करना है आपके साथ इन्हें बहुत सारे गाने करने हैं बट एक शुरुआत करनी है तो आलोक आई लाइक यू टू जस्ट से हाउ आई सॉ यू आई जस्ट पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम 2003 की मेरी डायरी ये मेरा पहला गाना है दैट आई कंपोज फॉर समवन एल्स आई ओनली कंपोज फॉर माय सेल्फ सो दैट उस तरीके से भी अब ये बहुत स्पेशल है एंड आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर आदित्य रिजित हु हैज जस्ट रिक्रिएटेड समथिंग न्यू बट एट द सेम टाइम जो खुशबू है बैंड ऑफ बॉयज के ओरिजिनल उसको भी इसलिए बरकरार रखा ये गोरी अगेन एल्बम में जो मनवा रे बोल के जो गाना है वो इन्होंने किया है दोनों ने किया है वेरी वेल डन अगेन गॉड. And I think what one more thing we also want to add just quickly add here is we are here, all of you are here, our video is on air, our music is on all the playlist, this one. It could have happened because of one particular one reason. One reason. That reason is vital. One platform.
I must give full credit to Vital for this. Especially, so I want to mention two names here. One is, of course, Gunveer, who's the guy who had this vision. He messaged me on Insta saying, I want to relook at doing the album of Phantom of Ways. And itne sare DMs aate hain usually aapke social media pe, so you don't take it seriously. He took it to the next step. And there are two women, Komal and Shreya, who have single-handedly stitched together the entire process from making all the music to the lyrics to getting five incredibly difficult boys to sign the contract. Because we are men by age, but at heart we are boys and we are not easy to manage. Two women have single-handedly put up this entire album with all the videos, with all the music. So great. I mean, Gunveer should be thankful. We are thankful to the two of them because they're a big asset. And indie music. What he also means is that only a woman can handle this bunch of boys. This bunch of boys cannot be handled by anybody else. Or kisi mein taakat nahi. और आज के जमाने में where you are betting on films much more, music companies are doing that, to have the vision कि नहीं यार independent artists का भी एक है. In a time, yes, like Chintu is saying, I was just about to say that. In today's times, when most of the music companies are only looking at very, very safe structures in terms of what they want to buy and what they want to sell, especially everybody is looking at film music and this and that and saleable, 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 saleable. Of course, we are saleable, but we have been quiet for a very, very long while. And for a company that is as big as Whitehill today, they are very, very big and they're doing some big stuff, even including films. For them to have had that kind of faith in us and belief in us, conviction, and that we still have the potential to make it again to the top of the charts is why we are here, I think. And lot of gratitude. Well, one more thing I'd like to add. Jitne bhi hume jo comments aate hain ya social media pe log likhte hain, that 90s generation, that 90s sound, beautiful era of indie pop, they happen because the revolutions caused by people like Vital. They are bringing back original music, means indie other music. people yeah. also take the initiative and start backing, and then you'll start seeing music which is personality driven. So a Sonu will not sound like me, I will not sound like Mika will not sound like Lucky Ali will not sound like Leslie Lewis, Leslie will not sound like Daleer Mehndi. All this personality based music comes from revolutions like this. That's and this stays. Is I think the first step forward, and I think it's brilliant. सर आपने कहा कि हम लोग एक बार जैमिंग के लिए मिलते हैं इसके लिए चाहूंगा आज मौका भी है जस्टू भी है सर का जन्मदिन अगर एक बार अरे बर्थडे बिल्कुल अच्छा लगा साथ में आपकी आवाज बहुत जबरदस्त आप सभी यहां पे टैलेंटेड करेंगे जैमिंग हो जाए क्या पता ये भी लोग इससे पहुंच जाए यार आई एम सो मतलब जो भी लाइक कर ही देते हैं वो गाकर ही जाएंगे अब्दुल दान गोरी अगेन गोरी अगेन गोरी अच्छा Sorry, go ahead. Yes, so Roshini is saying, since the official comeback of the band is happening and simultaneously the live entertainment space is growing enormously. Yes. So are you planning to look at performing at weddings and corporate events socially? That's the one thing that we've not let go at all. We've been doing that all the way. We still are part of it. We still actively do shows. We haven't released anything, so we even haven't had a chance to do something proper like this. An album to support a tour has always been the thing, but we've been very lucky to kind of live off all those five albums that we did in the past, because of which we've been continuously still doing shows. And the ultimate journey for an artist is always stage. And we are a live act. We are basically known for our energetic performances. And with Sudhanshu's addition back to the band, we are hoping to set the stage on fire. So we are going on an India tour immediately after the release of all the five albums. Because studio mein recording karna hai ek maza hai, but to sing live, where agar aapne ek galti ki hai, it's gone. There's no retake. There's nothing you can do. The electricity of live is something else, and I think we all love it. We live for live. So the more we are out there, the more fun we have, and we are hoping that we'll be out there. 365 days of the year and meet all you guys. ये वो बैंड ने वापस आया है एक तो सुबह सुबह उठ के इन लोगों का मुंह देखा था दूसरा ये जब हम लोग शूट के लिए गए थे तो हम लोग बहुत दूर गए थे ड्राइव करी और करीब 25 किलोमीटर की रोड ऐसी थी जहाँ पे रोड नहीं थी सिर्फ गाड़ी थी और गड्ढे थे और पहुंचने के बाद
जब हम इस लोकेशन पे पहुंचे थे ना, जो देख रहे हैं आप ये लोकेशन पूरा बैकड्रॉप, जैसे ही उन्होंने बोला रोल कैमरा एक्शन, बारिश शुरू हो जाए, फिर हम लोग को अंदर आना पड़े, फिर रोल कैमरा एक्शन बोले, फिर बारिश शुरू हो जाए, फिर अंदर आ जाए। तो एक टाइम पे हमने डिसाइड किया इससे अच्छा थोड़ी देर फोटो खिंचा लेते हैं खड़े। तो मैं उसी मूड में था इसलिए फोटो में गुस्सा लगा, वैसे मेरा इरादा नहीं था। और आपने इनके गाने पे कितनी लड़कियां सेट करी? किनके गाने पे? इनके गाने, इनके गाने में मैं कैसे लड़की सेट करूं? इनके ये छोड़ेंगे तब थोड़ी। हाँ जी, चाह तुझे है चाह से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पाल तुझे तो पाल जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। याद में वो नैया के नानी, पनिया भरन को आना, नैनों की हर कती दूरी, हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरी एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना, चाह तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पाल तुझे तो पाल जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार।